हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू फ्लडिंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है दोस्तों, 40 to 45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपनी क्लासेस के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर के पास में, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, ताकि एक अच्छा करंट अफेयर सेशन आप लोगों को मिल सके। देश में दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है ये सभी आप लोग जान सके और अच्छी प्रिपरेशन है जो कि अपनी कर सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 10th of December, है ना, सॉरी 11th of December, और आज के कई सारे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम हैं, इनमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलता है। कंटेंट की बात करें, सबसे पहले तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन, उसके बाद में कोट ऑफ द डे, आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, डेली के 5 को क्या मेरे दैनदू में से, ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहे, और लास्ट में दोस्तों 5 क्वेश्चन है जो कि मैं क्विज के तौर पे आप सभी लोगों को देता हूं। कल के क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो कल मैंने आपसे पूछा था, आवाज आ रही है परफेक्टली, ठीक है, ठीक है। तो कल मैंने आपसे पूछा था असम राइफल्स को लेकर, कौन से साल में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो 1835 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट है जो कि हुआ है। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है ना, कहां तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहां पे 2024 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो बनाई जाती है RBI एक्ट ऑफ 1934 के माध्यम से, कौन से सेक्शन से बनाई जाती है, तो ये सेक्शन 46ZB आपका सही आंसर होगा। इन विच ये सुप्रीम कोर्ट इश्यू है एक्सटेंसिव ऑर्डर टू इंप्लीमेंट राइट टू फूड, तो राइट टू फूड वाला ऑर्डर 2002 के अंदर है जो कि आया था। कस्तूरी रंजन कमिटी के बारे में पूछा गया कि कितना परसेंट एरिया वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव एरिया है जो कि डिक्लेयर करना चाहिए, आंसर की बात करें तो यहाँ पे 37% आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 या Bhuvanesh10 यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे 10% ऑफ के लिए। UPSC हो चाहे PCS हो, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, आपको 12 या 24 महीने सेलेक्ट करना है, और आप देख सकते हैं कि सभी एग्जाम के लिए प्राइसेस काफ़ी कम हो रखी है। अभी आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है 40+ एग्जाम में से, चाहे वो UPSC हो, कोई PCS का हो, कोई CAT हो, कोई आपका CDS हो, डिफेंस हो, बैंक हो, कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, यहाँ पे जाइए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHU10 है जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल क्लास की बात करें तो मंडे से आपकी स्पेशल क्लास होगी, और न्यू फाउंडेशन बैच है जो कि SSC के अंदर लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे मैं कंप्लीट GS है जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चे की एजुकेशन, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एक एक ड्यूटी बनती है कि एक बच्चे को आप इंडिया में एजुकेट करें एक पिज्जा की कॉस्ट पे 500 रुपये में, तो एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, आज का कोट ऑफ द डे की बात करें, 1 day दीज 5 AM विल मेक यू अ लेजेंड, तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि बोली गई है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते होंगे, और ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं, कोई लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, सब लोग अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्टेप ऊपर जाना है, अगर आपको डेफिनेटली, अगर आपको सच में एक प्रोडक्टिव सेशन जो है अपने पढ़ाई का बिताना है, तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह 5 बजे वाले जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं, आपकी टेंशन, आपके घर वालों के काम, ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइडेड होती है। तो ये जो 5 बजे वाले जो उठने वाली चीज़ें होती है विल डेफिनेटली मेक यू अ लेजेंड। आगे बात करते हैं दैनदू के फ्रंट पेज की तरफ। सिद्धार्थ का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। चलिए ठीक है, ऑल राइट। आज सुबह 5 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई यार, कल मैं कवर करवा दूंगा उसको, डोंट वरी, कवर करवा दूंगा मैं एक साथ उसको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आवाज आ रही है परफेक्टली। चलिए ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो सबसे पहले दैनदू के फ्रंट पेज के बारे में बात करूं, तो यहां पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, मोदी जी ने जो है अभी डेमोक्रेसी सबमिट हो रहा है, आपको मालूम है US के अंदर, तो वहां पे सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातचीत करी।
हालांकि जो डिस्कशन यहाँ पे किया गया है वो कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंसाजी के बारे में बात करी गई है कि यूके से जो है वो यूएस है, जो कि इसको एक्सट्रेडिशन को लेकर बात करी गई है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बारे में बात करी गई है, 32 केसेस थे देश में और सब में जो सिम्टम्स है वो बहुत ही माइल्ड है ना, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अभी तक किसी की मृत्यु नहीं है, ये अच्छी बात है। सेंटर ने बोला है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है स्क्रैप करने के लिए सेडिशन लॉ को। आपको मालूम है ब्रिटिश टाइम का दोस्तों ये सेडिशन लॉ है, आज भी हमारे यहाँ पे दोस्तों लगाया जाता है, तो उसको बंद करने की बात करी गई थी लेकिन सेंटर ने अभी बना कर दिया। यहाँ पे दोस्तों हरियाणा की न्यूज है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे DU एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों जो कि करवाने को लेकर बोल रहा है। काफी सारे मेंबर इससे वो नहीं है, प्रपोजल से खुश नहीं है, काफी सारे खुश है, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा इसके बारे में। गोवा हाईकोर्ट के लिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट को लेकर है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी नहीं है। दिल्ली पोल्यूशन को लेकर है, तो फ्रंट पेज पे अगर मैं आज के न्यूज पेपर की बात करूं ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है। पेज नंबर 8 पे जरूर है इंपॉर्टेंट, जहां पे हम लोगों को, जहां पे ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में बात करेंगे। और यहां पे देख सकते हो आप, यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया है, ऑब्जर्वर का स्टेटस है जो कि दिया है किसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। समझ गए मेरी बात, एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि इंडिया और फ्रांस को लेकर है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर दोस्तों इस ISA की शुरुआत है जो कि करी थी 2015 के अंदर। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC का सबमिट था, कहां पे, पेरिस के अंदर। तब दोस्तों दोनों देशों ने जो है वो इसके बारे में बात करी थी, तो उसके बाद में काफी डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर काम करने की। और फाइनली यहां पे अभी दोस्तों यूएन ने ऑब्जर्वर का स्टेटस है जो कि सोलर अलायंस को दे दिया है, इससे एनर्जी ग्रोथ के अंदर काफी बेनिफिट है जो कि इंडिया को भी और बाकी देशों को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन कौन सा था, 76/123 रेजोल्यूशन है जो कि यहाँ पे पास किया गया। कई बार यूपीएससी एग्जाम और इनके अंदर रेजोल्यूशन के नाम पूछ लेते हैं, है ना, 6 कमिटी की रिपोर्ट थी, ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो ये रेजोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यूनानिमसली डिसाइड किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पार्टिसिपेट करने के लिए सेशन में, और यहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस है जो कि इनको दिया गया है। जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अभी शाहिद। ओके, ISA के बारे में बात करें, 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए, देखो क्रिप्टो के बारे में अगर आपको जानना है A to Z मोटिवेशन, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी भुनेश लिखिए यूट्यूब पे वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप उसमें देखिए, जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी ना 3-4 साल पहले, तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दिया था। चलिए, तो ये किस लिए बनाया गया, ताकि सारे देशों को एक साथ लेके आया जा सके क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट को लेकर। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, यूएन के सारे मेंबर इसके मेंबर है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, और 124 कंट्रीज है जो कि अभी इसके मेंबर बने हुए हैं, और सारे यूएन के ही मेंबर है जो बने हुए हैं, हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, और अजय माथुर है जो कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, यूएन की बात करें दोस्तों तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, पेपर में पूछते हैं, हिंदी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि हम हिंदी को भेजते नहीं है इंडिया से, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, है ना, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अरेबिक भी है तो हिंदी भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों है। साथ में हमारे देश में 42% लोग हैं जो कि नियर बाय हिंदी बोलते हैं, जानते हैं, और बाकी लोग, बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं इंडिया में, इसलिए हम लोग एक लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 कंट्रीज दुनिया के मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर है, होली सी और पैलेस्टीन। एंटोनियो गुटरेस अभी हेड बने हुए हैं, डायरेक्ट सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, तो ये बात है आपको ध्यान रखनी। चार्टर साइन हुआ 24 जून 1945 और फोर्स में आया 26 जून को चार्टर साइन हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को फोर्स में आया, इसलिए 24 अक्टूबर को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्टूबर को हम लोग यूएन डे भी दोस्तों मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री थे जहां पे सबसे ज्यादा आपको हीट मिलती है, ओके, इसी हीट से दोस्तों क्या रेन्यूएबल एनर्जी बनाने की बात करी गई, कौन सी, ठीक है,
ये बात बोली गई। तो देखो क्या होता है कि जहां पे ज्यादा हीट पड़ती है ना, वहीं पे ही ज्यादा इवेपरेशन होता है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल भी होती है और ज्यादा फॉरेस्ट भी आपको वहीं पर ही देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी भी वहीं देखने को मिलेगी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी दोस्तों वहीं पे ही ज्यादा होगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो एसी बहुत यूज होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा यहीं पर ही है, इसीलिए सोलर एनर्जी के ऊपर है जो कि ये सारे देश मिलकर काम करते हैं। हालांकि और भी कंट्री जो इस जोन में नहीं आते वो भी इसके मेंबर बने हुए हैं अभी, है ना। चलिए ये देख सकते हो आप, 30 जून 2016 को अलायंस हुआ, वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि सोलर एनर्जी के लिए हम भी जो है वो पैसा दे देंगे, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है 2030 तक, ताकि ISA के गोल जो है वो अचीव किया जा सके। 74 कंट्रीज ने दोस्तों कंट्रीज ने साइन किया, 52 कंट्रीज ने रेक्टिफाई कर दिया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ISA का, जिसमें से 15 कंट्री के रेक्टिफिकेशन के बाद में काम स्टार्ट हुआ और आज फुल्ली फंक्शनल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसी के ऊपर एक वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट भी करवाया गया 2018 में आबू धाबी के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $350 मिलियन का सोलर डेवलपमेंट फंड है जो कि जारी किया सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है स्टबल बर्निंग को लेकर। यूनियन गवर्नमेंट ने दोस्तों बोला है कि हम लोग एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो स्टबल बर्निंग है इसको हम रोके, स्टबल को जो परेली होती है उसको बायोफ्यूल के तौर पर काम में ले, मेन्योर के तौर पर काम में ले, ताकि इस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पाए और सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग इसको कम करें। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा लोकसभा में ये बात है जो कि बोली गई जब उनसे पूछा गया था ये सवाल, है ना, कि भाई बताइए क्रिमिनलाइज क्यों कर रखा है स्टबल बर्निंग को, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं है, सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। तब ये देखो आपको मालूम है ना कि जो भी MP होते हैं, है ना, उनका एक ही काम होता है कि वो पार्लियामेंट में जाए और मिनिस्टर लोगों से सवाल पूछे कि बताइए इस मुद्दे के ऊपर क्या हुआ, इस मुद्दे पर क्या हुआ। दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक होते हैं स्टार्ट सवाल और एक होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चंस, है ना। स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वॉइस नोट के द्वारा आपको सिर्फ जवाब में मिलते हैं और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें वर्बली जवाब मिलता है। जो नॉन स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उनको रिटर्न में आंसर आपको देना पड़ता है, समझ गए मेरी बात, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते और ये पहले से ही आपको सवाल 1 महीने पहले ही से ही देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, और मिनिस्टर ने डिटेल तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया लेकिन इसके बारे में बोला है कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी जो है ना वो प्रक्यूर कर रहा है 3,000 टन दोस्तों स्टबल का, और उसके ऊपर जो है जल्दी रिजल्ट उसके ऊपर काम करेगा और उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का काम करेगा, है ना, और उसके ऊपर स्टडी करेगा। 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि इसके ऊपर एलोकेट किया गया है। 1 लाख एकड़ का जो मैन्योर होगा ना वो कंपोस्ट किया जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी एरिया के अंदर। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है, और 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करने के अंदर भी ये हेल्प करेगा हमको, ये बात इसके अंदर बोली गई। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 1 टन जो स्ट्रॉ अगर जलाते हैं, ये छोटी छोटी सी बस्ता है ना, जब हम लोग खेती कर लेते हैं तो उसके बाद में परेली बस्ती है, तो क्या होता है इसको काटने से ज्यादा सस्टेनेबल किसान के लिए क्या होता है कि इसको जला दिया जाए, उससे पोल्यूशन होता है लेकिन इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो फार्मर के पास में भी इसका ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े जो मशीनाइज्ड चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है, इतनी इनकम होती नहीं है, है ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो अक्टूबर के मंथ में और एक मई के एंड में, दो टाइम होता है जब ये स्टबल बर्निंग है जो कि होती है। अभी आप देखोगे इसमें तो 1 टन स्ट्रॉ जलाने पे 5.5 kg नाइट्रोजन, पोटेशियम, 25 kg फॉस्फोरस, सल्फर, CO2, O2, काफी चीजें हैं जो कि बर्न होती है। हरियाणा, पंजाब, यहां पे फाइन भी जो है इसके ऊपर लगा रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये क्रॉप का जो रेसिड्यू है उसको आग लगा दी जाती है ताकि फील्ड को इक्वल कर दिया जाए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी किया जाए। ओके, और हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मिलता है नेक्स्ट विंटर क्रॉप के लिए, और अगर वो लेट हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा लॉस है जो कि होता है। इसलिए बर्निंग दोस्तों चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे जो कि माना जाता है, है ना। अगर परेली को छोड़ दिया जाए तो पेस्ट जो टर्माइट्स होते हैं वो अटैक करते हैं अपकमिंग क्रॉप के ऊपर। इकोनॉमिक कंडीशन दोस्तों फार्मर के अलाउ नहीं करती, वो एक्सपेंसिव मैकेनाइज्ड मेथड है जो कि यूज करें। अक्टूबर और नवंबर के अंदर दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, और इसके इफेक्ट के बारे में बात करें तो पॉल्यूशन तो सबसे बड़ा इफेक्ट है ही है, जिससे मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड,
कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब है जो कि रिलीज करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सोइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, जो न्यूट्रिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आग लगाने से, हीट का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, मॉइस्चर का लॉस है जो कि हो जाता है। चलिए, एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि सर अगर आप सीएम होते तो इस इश्यू से कैसे डील करते हैं, प्रखर पटेल। देखो बात ऐसी है, दुनिया में ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, रिजॉल्व नहीं हो सकता। दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया के कोने कोने के अंदर हो चुकी हैं, लोग कर चुके हैं। तो देखो क्या होता है, सिर्फ मोटिव चाहिए होता है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, समझ गए। आपने देखा होगा कि हमेशा बोलते थे कि भाई इंडिया में तो कभी किसी दुकान के बाहर डस्टबिन नहीं हो सकता, आज डस्टबिन मिल जाता है। कभी सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, दिल्ली ने करके दिखा दिए, पंजाब ने भी करके दिखा दिए, और भी बहुत सारे राज्यों ने, केरला ने करके दिखा दिए, गोवा में। तो चीज़ें बदलती है, क्या चाहिए होता है, मोटिव चाहिए होता है काम करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल्टरनेटिव ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव है दोस्तों, है ना, सरकार के इनिशिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और अगर इसको कंपनसे वो कर दिया जाए, इंसेंटिवाइज कर दिया जाए स्टबल बर्निंग को नियर बाय कोई भी सेंटर में अवेलेबल करवाने के लिए, तो लोग डेफिनेटली जो है उसको अवॉइड करेंगे। इन सीट्यू ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल, आप देख सकते हैं एक क्रॉप मैनेजमेंट रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आप कर सकते हैं मशीन सेटअप करके, बायोडिकम्पोजर सेटअप करके, है ना, फोटर के तौर पे काम में ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं। हैप्पी सीडर्स मशीन्स होती है जो कि अप्रूट करती है स्टबल को और वहां पे सीड को उगा देती है, ठीक है। एक चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, ये भी फंडामेंटल सोल्यूशन है। छत्तीसगढ़ ने इसके ऊपर ऑलरेडी दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है, एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया था छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, ओके। और यहाँ पे कुछ सेंटर्स है गौथन नाम से, वो यहाँ पे बनाए गए थे, 5 एकड़ का प्लॉट है जो कि एक विलेज है जो कि उसको संभालता है। जो भी स्टबल होता है ना, वो पूरा का पूरे गांव वाले लोग वहां पे लेके आते हैं, एक तरीके से डोनेशन देते हैं, और उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है, काउ डक को मिला के, नेचुरल एंजाइम को मिला के। इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ताकि लोगों के पैसे ना लगे, लोग इसको आगे लेके जाए। और सक्सेसफुली दोस्तों 2000 ऐसे सेंटर है जो कि अभी तक बना दिए गए हैं। अगर आप किसान को क्या टाइम और एनर्जी नहीं लगाओ, और आप अपने ट्रैक्टर या गवर्नमेंट अगर अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर उनकी खेतों तक पहुंचा दे, तो डेफिनेटली मतलब फिर किसान को देने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर जो जितना आप दे रहे हो उसको इंसेंटिवाइज कर दें, अगर आपने 1 टन दिया है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, उतना दिया तो 20,000 रुपये मिलेंगे, तो अपने आप लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी होता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पैसा था ना, 80% दोस्तों सिर्फ मार्केटिंग और मीडिया कैंपेन में चला गया। ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोस्तों बताई है पार्लियामेंट के अंदर, 80% मतलब कोई 400-500 करोड़ का बजट था, है ना, 450 करोड़ का बजट था, उसका 80% सिर्फ मीडिया कैंपेन में चला गया। चलिए यहां पे बात करेंगे दोस्तों बालकृष्ण दोषी जी को लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा देखें 27% जो फंड है लद्दाख के लिए एलोकेट किया गया था, मतलब 27% फंड ही यूज किया गया दोस्तों लद्दाख के अंदर, ये भी यहां पे बताया गया। चलिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण दोषी जी को लेकर, देखिए देश के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इनको प्रिजगर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, देश के पहले ऐसे पर्सन थे, देश के बड़े बड़े कॉलेजेस की बिल्डिंग इनके द्वारा आर्किटेक्ट करी गई है। तो आर्किटेक्ट के बालकृष्ण दोषी जी, इनको रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 वन ऑफ द वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है जो कि आर्किटेक्चर के अंदर दिया जाता है RIBA के द्वारा, यह है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, उनके द्वारा दिया जाता है। 70 साल का इनका करियर है दोस्तों जो कि इस फील्ड के अंदर है, जो कि हो चुका है, ओके। 100 से ज्यादा बिल्डिंग है जो कि इन्होंने डिजाइन करी है आज तक, और 94 ईयर के हैं, डायरेक्ट इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर में बहुत बड़े नाम है जो कि माने जाते हैं। एलिजाबेथ क्वीन जो एलिजाबेथ द्वितीय है ना, वो खुद पर्सनली अप्रूव करती है इस अवार्ड को देने से पहले, और बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंशियल जो आर्किटेक्चर के होते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, समझ गए। ये देख सकते हो आप, एनुअली अवार्ड मिलता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, ओके। और जब आप इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तब इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 1848 में इसकी शुरुआत करी गई थी चार्ल्स रोबर्ट के द्वारा, है ना, मतलब फर्स्ट मेडल जो दिया गया वो 1848 में दिया गया था, चार्ल्स रोबर्ट को दिया गया था, सेकंड दिया गया कैनिना को, उसके बाद में अवार्ड जो है वो रेगुलर दिया जाने लगा। बीवी दोषी के बारे में बात करें, 94 साल के, पुणे में पैदा हुए, जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से पास आउट है,
पद्म भूषण, पद्मश्री, प्रिजगर प्राइज, अगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर, ये सब इनको मिले हुए हैं। इनके जो फेमस बिल्डिंग है वो है IIM बेंगलोर, IIM उदयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, और भी बहुत सारी है। मतलब इनफैक्ट जयपुर के अंदर भी एक एरिया है विद्याधर नगर, ठीक है, तो विद्याधर नगर भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा है जो कि डिजाइन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13। स्पोर्ट्स में बात करें तो कार्लसन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों नॉर्वे के एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर है कार्लसन, ये मतलब 31 साल के हैं और पिछले 10 साल से तो ये खुद ही नंबर वन के ऊपर बने हुए वर्ल्ड चैंपियन है, ये सोचिए। तो मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों यहां पर वापस से जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि दुबई में है, इसको आयोजित करवाई गई। तो आपके लिए तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है चेस के अंदर, तो सिर्फ एक ही नाम ध्यान रखना है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं ये, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं 31 साल के हैं, नॉर्वे के हैं, ग्रैंड मास्टर हैं और नंबर वन रैंकिंग अभी इनकी चल रही है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों इंडिया ने 104 और लोगों को अफगानिस्तान से दोस्तों जो कि बचाया है, दस इंडियन नेशनल काबुल से और भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे बचाए हैं। देखो हमने एक मिशन लॉन्च किया गया था, आपको मालूम होगा ये पेपर में पूछेंगे, ऑपरेशन क्या नाम था, ऑपरेशन देवी शक्ति, बस ये बात ध्यान रखनी है। अफगानिस्तान से हम लोगों ने काफी सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया, उनकी जान बचाई है, इसलिए इस ऑपरेशन की शुरुआत करेगी, ठीक है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, यूएस ने इंपोज कर दिया दोस्तों ह्यूमन राइट सेंक्शन ऑन चाइना, बांग्लादेश एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया देखो अभी क्या हुआ है, आपको मालूम है डिप्लोमेटिक बायकॉट तो हो ही रहा है, चाइना का विंटर ओलंपिक्स के कर ही दिया है यूएस ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, लेकिन अभी यूएस जो है वो और इंपोज कर रहा है सेंक्शन इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस को लेकर या बहुत सारे सेंक्शन है, ह्यूमन राइट सेंक्शन है जो कि दोस्तों लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो कोई इसके ज्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं, लेकिन यस दुनिया में बेइज्जती जरूर होती है, चाइना नॉर्थ कोरिया दोनों का तो आपको मालूम है, लेकिन इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। एक्चुअली में बांग्लादेश में कुछ लोग हैं आप है ना, उनके ऊपर ये सेंक्शन जो कि लगाया गया, इसलिए बांग्लादेश का नाम है जो कि देखने को मिला है, ठीक है। तो डजन ऑफ लोग हैं, एंटिटीज है चाइना के, म्यांमार के, नॉर्थ कोरिया के, बांग्लादेश के, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड है जो कि किया गया है, समझ गए। इसी में पार्टनरशिप में यूके प्लस कनाडा ये भी इसके अंदर शामिल है जो कि यूएस के साथ में है ना, और चाइना तो आपको मालूम ही है दोस्तों यहाँ पे जो यूएगर मुस्लिम है उनके खिलाफ क्रैकडाउन को लेकर ये किया गया है। बांग्लादेश में भी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से, नॉर्थ कोरिया तो है ही है ना। चलिए आगे बात करते हैं निकारगुआ को लेकर दोस्तों, उन्होंने ताइवान के साथ में अपने रिलेशनशिप तोड़ दिए और बीजिंग की तरफ चले गए। आपको मालूम है काफी टाइम से दोस्तों अभी ताइवान और बीजिंग के आप बीच में भी काफी टसल चल रही है। हालांकि दोस्तों ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंस ही चाहता है, वन नेशन टू सिस्टम जिससे हांगकांग चलता है ना, उसी तरीके से चाइना ताइवान की भी बात करेगी, लेकिन ताइवान को भी इंडिपेंडेंट वो नहीं मिल रही है, इंडिपेंडेंसी एक तो है नहीं, कोई दुनिया में कोई इसको रिकग्नाइज करता नहीं एज ए कंट्रीज, और ये भी जो है वो गुत्थम गुत्था हो रहा है अपनी थोड़ा सा फ्रीडम को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक और इनके झटका तब लगा तब निकारगुआ एक कंट्री जो कि ताइवान के साथ में काफी टाइम से काम करता था, उसने अपने टाइज को ब्रेक कर दिया और वो बीजिंग की तरफ चला गया। तो निकारगुआ ने लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ में दोस्तों ब्रेकआउट हो गए और इन्होंने जो है बीजिंग की तरफ अपना रुख है जो कि कर लिया, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को इन्होंने सपोर्ट है जो कि किया है, ठीक है गाइस। अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और मनागुआ इसकी कैपिटल है, स्पैनिश इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है, और डेनियल ओर्टेगा करके जो कि इसके अभी प्रेसिडेंट बने हुए, स्पेन, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, इन सभी कंट्रीज से इनको इंडिपेंडेंस मिली और फर्स्ट मैक्सिकन एम्पायर 1823 में यहाँ पे सेटअप हुआ था, फिर स्पैनिश आ गए, फिर अमेरिकन, इस तरीके से 70 लाख के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है, GDP 2,000-2,500 डॉलर पर पर्सन पर ईयर हमारे इंडिया के बराबर ही है। करेंसी यहाँ पे कोरडोबा नाम से करेंसी है जो कि चलती है SDI में मीडियम के ऊपर है ना। ये देख सकते हो आप पास में जो है कोस्टा रिका है, होंडुरस है, ग्वाटेमाला, ये सारे कंट्रीज हैं और इन दोनों, ये ताइवान है और ये निकारगुआ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जो कि ब्रेक आउट है जो कि हुआ है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अभी तक व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। एक और इंटरेस्टिंग बात, मंडे से दोस्तों सुबह 7:30 बजे 30 वीडियो 30 दिन ओके 30 टॉपिक है जो कि हम लोग कवर करेंगे हमारे फरवरी में आने वाले NTPC CBD 2 और हमारे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, समझ गए। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत बेनिफिट है जो कि आपको मिलेगा।
एक साल का करंट अफेयर है जो कि मैं आपको हर एक टॉपिक के अंदर कवर करवाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको 30 क्वेश्चंस भी दोस्तों इसके करवाने वाला हूं। हर टॉपिक को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोग चीजों को आगे लेके जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। डेली सुबह 7:30 बजे मंडे से, और कल हम देखेंगे सिलेबस सुबह 9 बजे। कल संडे है ना? हाँ, तो कल सुबह 9 बजे हम लोग सिलेबस भी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें कवर करने हैं इसके अंदर। ठीक है, 30 मिनट के अंदर हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जनसत्ता के बारे में बात करें तो जनसत्ता में दोस्तों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 2028 के ओलंपिक को लेकर। देखो, आपको मालूम होगा इस बार जो ओलंपिक हुआ है 2021 का, उसमें कुछ एक स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। कितने? 5 स्पोर्ट्स थे। 3x3 बास्केटबॉल, स्केटबोर्डिंग है ना, ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड कराटे, ये सारे है जो कि इस बार वाले ओलंपिक में एड ऑन करे गए। अब ये बोला जा रहा है कि 2024 के अंदर पैरिस ओलंपिक होगा, वहां पे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे के लिए अनुरोध इस बार नहीं किया गया है। इन खेलों में स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के अलावा ब्रेक डांसिंग भी दोस्तों इस बार शामिल होगा। ठीक है, सर्फिंग तो पहले हो गया था, स्केटबोर्डिंग भी हो गया था। ये देखो, अभी हमने इस वाले के अंदर सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग तो पहले ही हो गया, रॉक क्लाइंबिंग भी हो गया, और ब्रेक डांसिंग इस बार शामिल किया जाएगा। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को इस बार 24 में हटाने की बात करी जा रही है। 2028 में दोस्तों प्रॉब्लम ये है, हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि हमारे बॉक्सिंग में मेडल आते हैं, हमारे वेटलिफ्टिंग में मेडल आते हैं। ओके, और दोनों ही स्पोर्ट्स है जो कि 2028 में हटाए जा सकते हैं। तो मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन, ये 3 ओलंपिक लॉस एंजलिस के 2028 ओलंपिक में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए 18 महीने के अंदर अपनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए कहा गया है। एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये बोलती है कि जो भी स्पोर्ट्स के फेडरेशन है ना, वो अच्छी तरीके से काम करें, ट्रांसपेरेंसी से काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें, करप्शन स्कैंडल है ना, डोपिंग, ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर उस स्पोर्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो वही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक स्पंज सिटी है जो कि बनाने की बात करी जा रही है वाटर मैनेजमेंट के लिए। देखो, चेन्नई के अंदर आपको मालूम है थोड़ी भी कुछ दिन बारिश होती है ना, तो चेन्नई में क्या है, जब पहले तो अब 20-30 साल पहले की बात करूं तो प्रॉपर पानी निकालने के लिए जगह बना रखी थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अनइवन डेवलपमेंट हुआ, हर जगह पे बिल्डिंग्स बन गई, घर बन गए, तो पानी क्या है अब वो निकल नहीं पाता शहर के अंदर। तो बारिश ज्यादा होती है तो पूरा का पूरा शहर पानी से भर जाता है और वहां पे फ्लड आ जाता है, अर्बन फ्लड बोलते हैं इसको। अब इन चीजों को दूर करने के लिए दोस्तों एक सिटी को कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है स्पंज सिटी के तौर पर, यानी कि स्पंज के तौर पर दोस्तों आपकी रोडें और डेवलपमेंट किया जाएगा और वो पानी को सोख लेगा। इससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा और पानी की समस्या जो फ्लड की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो एक इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि बनाने की बात करी जा रही है, ट्रांसफॉर्म की जा रही है इसको स्पंज सिटी में, ताकि अर्बन फ्लडिंग को रोका जा सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परमिएबल बनाई जाती है एरियाज को, स्पेस दी जाती है वाटर को स्टोर करने के लिए, नीचे की तरफ जाने के लिए छोटे छोटे से है ना, 80-90 फीट के जो है डेप्थ जो कि करी जाती है वाटर टेबल को भी ऊपर बढ़ाने के लिए। स्मॉलर वाटर बॉडी सब जगह पे बनाई जाती है इस तरीके से, ताकि क्या हो सके, देखो ये देखिए टैंक है, गार्डन है, रूफ है, सब जगह पे छोटे छोटे से एरियाज है जो कि बनाए जाते हैं। स्पंज सिटी एक न्यू अर्बन कंस्ट्रक्शन मॉडल है फ्लड मैनेजमेंट के लिए, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए चाइनीज कंसेप्ट है, 2000 के अंदर आया था और वहां पे उन्होंने भी इसको इंप्लीमेंट किया है और काफी बढ़िया रिजल्ट है जो कि देखने को मिले हैं, है ना। तो काफी सारी प्रॉब्लम पानी की जो है वो रिजॉल्व होने के अंदर इसमें चांसेस है, मतलब ठीक है। और इसको नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, HRID, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी है, इन सबके तहत है जो कि इसको इंक्लूड करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मेट्रोज के अंदर है जो कि यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग बहुत ज्यादा आती है, तो वहीं पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कुछ किस प्रकार से जो है ये मैनेजमेंट सिस्टम है। ये देखिए, ये जो रोड आपको नजर आ रही है ना, ये स्पंज, एक तरीके से स्पंज है इसके अंदर, ये पानी को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है। अगर आप देखोगे ना अभी, ये देखिए इस तरीके से अगर ये पानी भी डालोगे ना रोड के ऊपर, तो ऐसे छोटी छोटी हर जगह पे रोड से जो कि पेमेंट है जो कि बनाने की बात करी गई है। ये देखिए पानी जमता नहीं है इसके ऊपर, है ना। ये स्पेशल मॉड्यूल्स है जो कि बनाए जाते हैं इस तरीके से छोटे छोटे, और इसमें से पानी जो है वो जमीन के अंदर चले जाता है।
ठीक है, फ्लडिंग के सोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे को लेकर। एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया ने दोस्तों वैक्सीनेशन को सपोर्ट किया है और मास्क को मैंडेट करने के लिए भी दोस्तों बोल दिया है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया, सर्वे किया, जिसमें बताया कि 90% इंडियंस जो है वो बिलीव करते हैं कि उनके कलीग को भी वैक्सीनेट होना जरूरी है। 93% ये लोग बोलते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर मास्क फिलहाल तो जो है एटलीस्ट जो है वो पहनना बहुत ही जरूरी है कोविड 19 से सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है मतलब। और यहाँ पे इंडिया के जो परसेंटेज जिन लोगों ने सपोर्ट किया है ना, वो दुनिया के एवरेज से ज्यादा है। दुनिया में 78% लोगों ने चाहते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर जहां पे काम करने जाते हैं ना, वहां पे सभी लोग वैक्सीनेटेड हो, और 81% लोग बोलते हैं कि वहां पे मास्क हो, है ना। तो हमारे यहाँ पे एवरेज जो है वो लोगों का ज्यादा है जिन्होंने सपोर्ट किया। तो 14,000 लोगों के ऊपर दोस्तों 33 घंटे में सपोर्ट सर्वे है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 50 साल पहले दोस्तों शायब के द्वारा बनाया गया एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ के तौर पे काम करता है। कोलोंजी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कोलैबोरेशन से दोस्तों एसडीजे को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की काम करता है। यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट भी दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उनके द्वारा रिलीज करी जाती है। पेपर में पूछते हैं कि किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये इनके द्वारा पब्लिश करी जाती है, ये पेपर में ट्रांजिशन का नहीं पूछेंगे। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है ये भी इन्हीं के द्वारा पब्लिश करी जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है दोस्तों वो भी इनके द्वारा पब्लिश करी जाती है। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट है वो भी इनके द्वारा पब्लिश होती है, और साथ में ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट ये भी इनके द्वारा ही पब्लिश करी जाती है। समझ गए? तो ये जो मैंने मार्क करे ना, 3, 4 और 5, ये 5 नाम आपको रिपोर्ट के याद होने चाहिए, पेपर में पूछते हैं। आगे बात करते हैं लेबर मिनिस्ट्री और ग्लोबल पेंशन रिपोर्ट। अभी रिसेंटली दोस्तों आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया कि दुनिया में 43 कंट्रीज में से 40वीं रैंक है जो कि हमें दी गई थी, किस चीज के ऊपर, पेंशन सिस्टम के ऊपर, जो बहुत ही पुअर है जो कि हमारे देश का बताया गया। जब ये सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने राज्यसभा के अंदर बोला कि जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसने भारत के पेंशन सिस्टम को बॉटम में रखा है वो रिलायबल कंपेरेबल इंटरनेशनल डाटा नहीं है। तो आपको मालूम है मिनिस्टर लोग तो नकार देते हैं साफ ही, इंटरनेशनली कोई भी रिपोर्ट आती है किसी भी चीज की आती है, नहीं वो गलत है, हम बोल रहे हैं ना हम सही है, तो वो लोग तो डाटा पे बात करते ही नहीं कभी, उनको तो बस अपनी बात जो है वो गोली देनी होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ना उसको लेकर है जो कि यहाँ पे बात करेंगे। 2021 के अंदर रिपोर्ट पब्लिश करी गई जहाँ पे हमारी 40 रैंक थी, और मर्सर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इसमें क्राइटेरिया रखा गया सस्टेनेबिलिटी का, एडिक्वेसी का, इंटीग्रिटी का, है ना, और हमें जापान, साउथ कोरिया और फ्यू कंट्रीज के साथ में इंडेक्स में सेम कैटेगरी में डाला गया। एनपीएस ट्रस्ट एक स्पेशलाइज डिवीजन है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है पेंशन सिस्टम का, आप एक क्या कर सकते हो आगे से भी जो है वो पेंशन करवा सकते हो, टैक्स फ्री जो होता है पैसा जो भी मिलता है इसमें। और प्रॉब्लम क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो हमेशा, हमारे देश में है ना कोई 50 करोड़ वर्कफोर्स है, 50 करोड़ लोग है जो कि काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 42 से 43 करोड़ जो लोग काम करते हैं ना वो दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझते हो, जैसे कि रेडी लगाना, चाय की दुकान लगाना, कोई घर पे बैठ के पॉलिशिंग करना किसी भी काम का, जहां पे कोई भी आपकी प्रॉपर छुट्टियां नहीं होती है, अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपका ईयरली कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं होता है, तो वो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। समझ गए? जो पकौड़ा बेचना जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं वो भी एक रोजगार है, तो वो रोजगार नहीं कहलाता है। समझ गए? वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पे इंसान आज बीमार हो जाए तो कल आज हो सकता है उसके घर पे खाना भी नहीं मिले उसको, क्योंकि वो डेली कमाओ डेली काम में लो वाले सिस्टम के ऊपर चलता है। और हमारे देश के 50 करोड़ जो लोग काम करते हैं उसमें से 42-43 करोड़ लोग ऐसे ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे पेंशन सिस्टम मात्र 7.5% दोस्तों जो टोटल वर्कफोर्स है ना उन्हीं लोगों के पास में है, पेंशन का जुगाड़ उन्हीं के पास में है, बुढ़ापे में सहारा उन्हीं के पास में है। तो ये नंबर जो है बहुत ही कम है 7.5%, इसीलिए दोस्तों हमारा पेंशन सिस्टम बहुत ही वीक और रैंक हमारी लो है जो कि बताई गई है। अब 43, अब बचे कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, कितने लोग बचे, कोई 8 करोड़ के आसपास बचे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसमें से दोस्तों 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी है,
स्टेट और सेंटर के। अब इन लोगों को पेंशन सिस्टम है, इन लोगों को सुविधाएं हैं, मतलब ये घर पे छुट्टी भी ले सकते हैं, परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं मतलब, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से आज भी दोस्तों 42% 50 करोड़ में से 42% जो लोग काम करते हैं ना वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, तो वहां पे तो आप देख ही सकते हो हालात दोस्तों किसानों के। 32% जो लोग हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और कोई 26% के आसपास है, 20 से 25% के आसपास जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज सेक्टर है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर से, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। रेदर मंत्री जी आके बोल देते हैं, नकार देते हैं कि इसको वो गलत है थोड़ा सा। तो PFRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है, रेगुलेट करती है भारत के पेंशन सिस्टम को। ओके, आज सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा चाव क्यों है? क्यों ऐसा बोला जाता है हमारे घर में, हमारे घर वालों के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा कि भाई सरकारी नौकरी पिता पीछे क्यों पड़े हुए? क्योंकि वहां पे क्या है कि पेंशन सिस्टम है, बुढ़ापे के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, आप ही के पैसे होते हैं वो खैर, लेकिन बाद में आपको मिल जाते हैं, पीएफ के पैसे का इकट्ठे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई ठीक है सिक्योरिटी है, ये है वो है। पेंशन तो खैर आज के टाइम पे तो बंद हो गई, मेरे ख्याल से एक साथ पैसा मिलता है जो कि आपका कई सालों की सेविंग्स होती है वो सब, ठीक है। तो इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं और एक 6 मेंबर मैक्सिमम है उसके अंदर होते हैं, 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। ये देखिए आप, 7.5% है वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में जो कि कवर्ड है पेंशन प्रोग्राम के अंदर। जर्मनी में 65 है, 31% ब्राजील में है ना, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, यूएस पॉलिसी ऑन मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको कि एक मेरे फ्रेंड है तो उसका माइक्रोसॉफ्ट में कॉलेज के बाद में प्लेसमेंट हुआ है ना, अच्छा खासा प्लेसमेंट था, माइक्रोसॉफ्ट यूएस के अंदर प्लेसमेंट था, तो वो अपने गांव लेके गया, तो वहां पे जब उससे पूछा गया कि बताओ भाई नौकरी भाई क्या कर रहे हो, तो बोला कि माइक्रोसॉफ्ट, बोला नहीं ठीक है प्राइवेट नौकरी है ना, नहीं 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 अभी राजस्थान कॉन्स्टेबल की भर्ती आ रही है उसके अंदर फॉर्म भरते ना। वो मेरे को देखे, मैं उसको देखूँ क्या, नहीं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल में काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, आप दुनिया के कौन से शहर में काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सरकारी पेपर जो है वो ज्यादा मायने रखता है हमारे लोगों के लिए, तो वो है मतलब। और हमारे पुराने लोग जो है जिनकी ये मेंटालिटी है, मतलब ये उनकी गलती भी नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं देखिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनकी ये सोच है कि भाई सरकारी नौकरी सब कुछ है, वो एक्चुअली में देखो क्या है, उन्होंने जो वक्त देखा है ना वो 70 से लेकर 90 वाला वक्त देखा है अपने करियर का। इस टाइम पे दोस्तों प्राइवेट जॉब्स होती ही नहीं थी, मतलब ना के बराबर होती थी, और कोई पता नहीं होता था प्राइवेट जॉब का, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कुछ काम नहीं होते थे, आज है कल के दिन वो अगला बंदा घर पर बैठा है ना, कोई सैलरी नहीं, कोई उसको कुछ और मिलता नहीं था। तो क्या उन्होंने जो वो वक्त जो देख के बड़े हुए, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी उनको गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिली है ना, कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं होता था पहले, तो उनकी गलती नहीं, उनका माइंडसेट वैसे ही बना हुआ है, समझ गए, तो वो अपने हिसाब से अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम बदल गया है, आज आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो पसंद है मतलब वो करना ज्यादा बेटर है। किसी को चिल लाइफ चाहिए, सुबह 10 बजे जाके शाम में 6 बजे आना है, ठीक है, मतलब कोई टारगेट्स नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, एक सेम काम करना है या फिर चिल करना है, मतलब कुल मिला के तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है। किसी को किसी के एम्बिशंस है, किसी को ठीक है लंदन न्यूयॉर्क या यहाँ पे घूमने जाना है, किसी को दुनिया एक्सप्लोर करनी है, सीखना है ना, और अच्छे लेवल पे सीखना है, तो ठीक है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर है। तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे बॉर्डर को लेकर, है ना, यूएस पॉलिसी और मैक्सिको बॉर्डर। देखो यूएस और मैक्सिको की जो बॉर्डर है दोस्तों, आपको मालूम है दुनिया के टॉप 3 बॉर्डर में से एक है, और हमेशा से दोस्तों यूएस के अंदर मैक्सिको से बहुत लोग हैं जो कि आते हैं, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री है वो बहुत ही गरीब देश है सारे, और वो मैक्सिको और मैक्सिको की भी हालत बहुत खराब है, डेवलपिंग कंट्री है, और वो सारे लोग जो है वो यूएस में जाना चाहते हैं। ओके, तो पहले के जो ट्रंप से पहले जो लोग थे वो लोग तो फिर भी थोड़े से लिबरल थे, वो लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने दोस्तों बहुत स्ट्रिक्टनेस अपनाई थी और ये पॉलिसी उसकी काफी सक्सेसफुल भी रही थी, काफी लोग है जो कि माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स जो है वो कम होने लग गए थे यूएस बॉर्डर के ऊपर। तो ट्रंप एरा पे एक पॉलिसी आई थी कि जो भी असाइलम चाहता है, जो भी शरण चाहता है अमेरिका में, उसको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसका केस सुनवाई होगी, उसके बाद है जो कि फैसला लिया जाएगा। तो वो पॉलिसी जो है वो ट्रंप ने पहले तो कैंसिल कर दी, बाइडेन ने कैंसिल कर दी थी, लेकिन अब उसको भी समझ आ गया कि ये पॉलिसी जो थी ये बेटर थी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो 50 माइग्रेंट जो है वो
हेयरिंग के लिए भेजे जाते हैं। उसके बाद में देखो, वन थर्ड जो यहाँ पे बॉर्डर है ना, वहां पे ऑलरेडी फेंसिंग लगी हुई है। 48 ऐसे लीगल पॉइंट है जहां से लोग आते जाते हैं। 1990 में बिल क्लिंटन पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने फिजिकल बैरियर लगाया था यूएस मैक्सिको बॉर्डर में। उसके बाद में ट्रंप ने तो पूरी वॉल बनाने के लिए बोल दिया था, कॉन्क्रीट वॉल, जो कि कई जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल भी थी। 97% तो इलीगल क्रॉसिंग जो है सदर्न बॉर्डर में से होती है जहां पे कोई वॉल या बैरियर नहीं है। ठीक है गाइस, तो असाइलम सीकर के पास में अब ये ऑप्शन होता है कि वो हेयरिंग के ऊपर जा सकता है, उसका केस लिया जाएगा, अगर लगेगा तो उसको फिर वहां पे असाइलम मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वहां पे काफी लोग है जो कि कम हो गए थे मतलब। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग गोल्ड को लेकर। तो एम्बर ग्रीस के बारे में आपने पढ़ा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक क्राइम ब्रांच है दोस्तों, है ना, पिंपरी चिंडवड़ की, तो उसने 550 ग्राम जो है एम्बर ग्रीस है जो कि जब्त किया, जिसको फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसको वेल की वॉमिट कहते हैं। एक्चुअली वेल का डाइजेस्टिव सिस्टम में से वेल इसको निकालती है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाता है, फ्लोटिंग गोल्ड के तौर पर ये देखने को मिलता है। तो इसको एम्बर ग्रीस बोलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी वैल्यू है। 1 किलो की जो वैल्यू है 102 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू लगाई जाती है। इससे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, ये देखिए वेल में से निकलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसको स्पर्म वेल में से इसको निकाला, ये निकलती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में से, चलिए, और बहुत ही स्ट्रांग जो है इसकी स्मेल होती है ना, चलिए ठीक है। बहुत ही कॉस्टली कम्युनिटी मानी जाती है परफ्यूम और टबैको के अंदर, फूड में पहले इसको काम में लिया जाता था। इंडिया के अंदर जो स्पर्म वेल है दोस्तों प्रोटेक्टेड है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ट्रेड करना और इसको रखना हमारे यहाँ पे लीगल है। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में भी बैंड है, इसका ट्रेड करना भी बैंड है, कई कंट्री ने इसको लीगलाइज भी किया हुआ है मतलब, लेकिन वहां पे कंडीशन है जो कि लगा रखी है। ठीक है, चलिए, तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात जो कोस्टल एरियाज है ना, हमारे यहाँ पे भी दोस्तों इसकी स्मगलिंग है जो कि डिसेंट अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है। सरयू केनाल नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, आज 5 बजे वाली क्लास नहीं हुई है, मैं करवा दूंगा आपको, मंडे को कवर करवा दूंगा, सैटरडे का क्लास का भी डोंट वरी। चलिए, तो पीएम मोदी ने दोस्तों इनॉग्रेट किया 9,800 करोड़ का सरयू केनाल नेशनल प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है। और जो ईस्टर्न साइड के जो राज्य है, 9 राज्य, यहाँ पे 25 से 30 लाख लोग रहते हैं, फार्मर रहते हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरयू केनाल प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है। 14 लाख हेक्टेयर का दोस्तों लैंड है, उसको फ्लड से बचाना, साथ में इरिगेशन में मदद करना, इस चीज को लेकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई 4 लाख हेक्टेयर वाले एरिया के अंदर। 5 रिवर है वहां पे दोस्तों, घाघर, राप्ती, है ना, बनगंगा, सरयू, रोहनी, इन सबको कनेक्ट करके है जो कि बनाया जा रहा है। और काफी अच्छी खासी लेंथ है मतलब 6,500 किलोमीटर की लेंथ है, 318 किलोमीटर लॉन्ग केनाल है जिससे उसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1978 में ये प्रोजेक्ट है जो कि पहली बार स्टार्ट हुआ था 78 करोड़ में, फिर 82 के अंदर इसको और आगे बढ़ाया गया, 2021 में इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो सरयू देखिए नदी जो है, एक तो उत्तराखंड से आपको देखने को मिलती है जो कि नीचे की तरफ फ्लो करती है नेपाल बॉर्डर के वहां पे, एक आपके अयोध्या वाली जो है वहां पर भी देखने को मिलती है, लोअर घाघर रिवर है जो कि इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं, चिली ने दोस्तों लॉ पास कर दिया है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को अलाउ है जो कि कर दिया है। ठीक है गाइस, तो काफी टाइम से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था इस चीज को लेकर, तो फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया, और वहां के जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन, उन्होंने भी साइन कर दिया, और जो एक्टिविस्ट है एलजीबीटी के, ह्यूमन राइट्स के, उन लोगों ने काफी यहाँ पे पार्टी है जो कि यहाँ पे करी है। ओके गाइस, तो 6 मंथ से ज्यादा जो है यहाँ पे हो चुका है अनाउंस करे हुए भी कि मैरिज की जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को जो है वो इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है जो कि बोली गई, यहाँ पे न्यू लॉ अलाउ करेगा अपने सभी बच्चों को, कोई भी फादर मदर के, और सेम राइट सेम प्रोटेक्शन है जो कि उनको मिलेगा। ठीक है, दुनिया में अगर आप देखोगे कौन से कंट्री में सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है, तो आप देख सकते हो आपको मेजरली यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और आपको नॉर्थ अमेरिका, इन कंट्रीज में आपको लीगल सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज जो कि देखने को मिलती है। ठीक है, 1999 के अंदर चिली में दोस्तों क्या किया गया था, चिली ने इसको सेक्स बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट जो सेम सेक्स के हैं उसको क्रिमिनलाइज से हटाया था, है ना, डीक्रिमिनाइजेशन है जो कि किया गया था 2012 के अंदर। उसके बाद में 15 में बोला गया कि सेम सेक्स जो है उनको हम लोग अलाउ भी करेंगे साथ में रहने को लेकर। 17 में सेम सेक्स मैरिज का बिल है जो कि पास किया गया, दोनों हाउसेज में दोस्तों पास हुआ, और इस तरीके के लॉ जो है वो कई सारे लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है ना साउथ अमेरिका के, वहां पे ऑलरेडी दोस्तों अडॉप्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी है यहाँ पे, या आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन,
है ना, कई सारे देशों में आप देख सकते हो प्रोसिक्यूशन है होमोसेक्सुअल्स को, ये रेड में जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो मतलब जो है वो सजाएं मिल जाती है। हमारे कंट्री में भी सेम सेक्स मैरिज दोस्तों अलाउ नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर काफी टाइम से बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में मना कर दिया कि जो शादी होती है वो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में होती है जो कि बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दोस्तों कि इसको किसी ना किसी तरह से इसको लीगल किया जाएगा, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स है जो कि मिलनी चाहिए, सबको लिबर्टीज है जो कि मिलनी चाहिए, हर एक सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी मिलना चाहिए। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पहले तो क्या रही है, वो ही था सेक्शन 497 आपको मालूम है क्रिमिनलाइज कर रखा था, वो क्रिमिनलाइजेशन तो हटा दिया है हमारे यहाँ पे। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 का ये, ठीक है। शॉर्ट्स की बात करें तो मणिपुर ने जीता है सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, संकेत महादेव सरगर वॉन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ताशकंद में करवाए गए। सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ईडी है सुरेश यादव जी, उनकी मृत्यु हो गई। और भाषा संगम मोबाइल ऐप है जो कि 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया, ओके, मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार के द्वारा। बालकृष्ण माथुर की ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है एट होम इन द यूनिवर्स, बीके माथुर ध्यान रखिएगा, ओके, तो इनके द्वारा एट होम इन द यूनिवर्स किताब है जो कि रिलीज करी गई। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया एयर वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ओके, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर वर्जन है जो कि यहां पे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आज के दिन के इतिहास की बात करें, आईएमए की शुरुआत हुई 1932 में, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया, 46 में यूनिसेफ आया, 41 में यूएस ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन जर्मनी एंड इटली। वोकैबुलरीज के स्प्लिंटर का मतलब है विभाजित करना, डिवाइड कर देना, इंटिमिडेशन मतलब किसी को डराना धमकाना फ्राइट करना, परफिडी का मतलब है विश्वासघात करना, ये मैंने कल परसों भी बताया था आपको वर्ड, तीनों चारों वर्ड इसके सिनोनिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूइंग का मतलब है लुभावना, फैसिनेटिंग। अब्रोगेट का मतलब रद्द करना किसी चीज को, कैंसिल कर देना। और रिपेंडेंस का मतलब है पछतावा, रिमोर्स, पेनिटेंस, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों आज के फन फैक्ट की, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि एकमात्र जापानीज जो कि टाइटैनिक के डूबने पे बचा था ना, ओके, उसने अपनी जॉब खो दी थी, बिकॉज वहां पे जापान में उसको कॉवर्ड है जो कि माना जाता है, बहुत ज्यादा उसको एक तरीके से कायर है जो कि माना गया, क्योंकि वो बाकी पैसेंजर के साथ में मरा नहीं और जिंदा वापस आ गया, तो काफी क्रिटिसाइज है जो कि इसको जापान में किया जाता है। एक रीजन तो ये बताया जाता है कि ये बाकी लोगों के साथ में इसने शहादत हासिल नहीं करी इसीलिए इसको कॉवर्ड माना गया वहां पे, लेकिन दूसरा रीजन ये भी माना जाता है कि जब बहुत सारे लोग डूब रहे थे तब इसने फीमेल की ड्रेस है जो कि लेकर और फीमेल का गेटअप लेकर जो है बच्चों और महिलाओं के साथ में बच गया था, और ये बात इसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं बताई, मरते टाइम में जब इसने इस बात को रिवील किया कि मैं इस तरीके से जो है वो टाइटैनिक के डूबने के ऊपर बचा था, इसकी वजह से भी उसको काफी वहां पर क्रिटिसाइज है जो कि किया जाता है, ठीक है, तो ये दो कारण है जो कि इस आदमी के बताए जाते हैं। चलिए, दुनिया में बाकी जगह पे जो लोग बचे थे मतलब है ना उनको तो ऑनर किया गया था, स्टोरीज लिखी गई, मूवीज लिखी गई कई सारे, लेकिन जापान में दोस्तों ये उल्टा सिनेरियो हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो BHU10 या BHU10 आप यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए, और आप देख सकते हैं आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, UPSC है, PCS है, डिफेंस, बैंकिंग, SSC में, या कोई भी यहाँ पे गोल सेलेक्ट करिए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ BHU10 से आप लगा सकते हैं, और ठीक है smileforsociety.org के वेबसाइट पर जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, आज का पहला सवाल है मैक्सिमम रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, स्पंज सिटी दोस्तों कौन से साल में चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए आगे बात करते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट जो है पब्लिश करी गई, भारत की रैंक क्या है इसमें। चलिए, तो रिसेंटली यहाँ पे संकेत महादेव ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन सी टीम ने जो है वो जीती है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, मिलेंगे वापस से कल सुबह 9 बजे, अपनी क्लास होगी एक जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस होगा NTPC CBT 2 का और ग्रुप डी का, उसके बारे में, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।